हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 15 अगस्त व स्वतंत्र दिवस पर बहुत ही शानदार भाषण। तिरंगा हमारा सबसे प्यारा, जान से भी है हमें प्यारा, देशभक्ति का है जुनून इतना, दिल में बसा है भारत सारा। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को 78वां स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम सभी यहाँ अपने देश की स्वतंत्रता के 78 वर्षों का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का प्रतीक है। इस दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अनगिनत त्याग और बलिदानों से हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमारे महान नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अनेक अनाम वीरों ने अपने संघर्ष से यह सुनिश्चित किया कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। उनके आदर्शों और मूल्यों को हमेशा याद रखना हमारा कर्तव्य है। आज़ादी के बाद से हमारे देश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, चिकित्सा, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। हालांकि हमें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का समाधान निकालना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा देश हर नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान कर सके। आज के इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी मिलकर अपने देश को और अधिक प्रगति की ओर ले जाएंगे। हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश के प्रति समर्पण का संकल्प लें और इसे और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कार्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।